हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नंबर थर्टीन है ना सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम उसको कराने वाली हूँ तो इस चैप्टर को आज हम सपोर्ट मटेरियल से करने वाले हैं जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से बुक मिलती है उससे चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है काफ़ी सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि इस बुक पर इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं है ना तो हमने लास्ट जो किया था अपना अगर हम देखें इस चैप्टर को यहाँ पर तो 34 से आज हमारे को स्टार्ट करना है ऊपर के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं चैनल पे अपलोड है आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करें फिर अपने क्वेश्चन नंबर 34 से इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 33 थ्री इंटू एटीन सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स ब्रेथ टू फॉर्म अ सिलेंडर फाइन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपसे कह रहा है आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर शीट है ठीक है आपने इसको क्या किया फोल्ड कर दिया रोल कर दिया लेकिन जो आपने रोल किया ना वो उसकी ब्रेथ की साइड से रोल किया है ठीक है लेंथ की साइड से नहीं हुआ है ये ब्रेथ की साइड से रोल्ड हुआ है तो जब ये उसकी साइड से रोल होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर उसकी जो सिलेंडर बन जाएगा आप चाहो तो इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हो एक पेपर लेके उसको रोल करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी सिलेंडर की ही शेप लेगा तो उसी सिलेंडर की आपको सिर्फ रेडियस फाइंड करनी है क्वेश्चन क्लियर हो गया कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना तो अब बात आती है रोल तो हो गया तो सिलेंडर की रेडियस निकलेगी कैसे तो देखो जब आपने रोल किया ना उसको तो जो उसकी ब्रेथ है ना वो क्या बन जाएगी उस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी ऐसे रोल हुआ हुआ है ना वो इस शेप का तो ये सिलेंडर की हाइट बन जाएगी तो ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 18 दे रखी है तो हाइट तो इस सिलेंडर की 18 आ गई लेकिन जो इसकी लेंथ होगी ना वो आपका क्या बन जाएगा सरकम बन जाएगा ठीक है और सरकम का अगर मैं यहां पर आपसे पूछू फॉर्मुला क्या होता है तो वो आपको पता है कि सरकम का फॉर्मूला होता है टू पाई आर तो सरकम आपको क्वेश्चन में इसका मतलब वो थर्टी थ्री गिवन है वो लेंथ आपकी सरकम बन गई है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर ऐसी है अब थर्टी थ्री इंटू में सेवन और अपॉन में टू इंटू में ट्वेंटी टू आ गया इजिकल्स टू आर इसको मैंने क्या किया दोनों को ही लेवन की टेबल से कट कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी वन अपॉन में फोर इज इक्वल्स टू में आर आप चाहो तो इसको यही छोड़ दो कि जो आपका आर है ट्वेंटी वन अपॉन में फोर सेंटीमीटर आ गया और आप चाहो तो इसे डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हो वो आपकी मर्जी है किसी भी फॉर्म में निकाल दो क्लियर है ये थी आपके पास इसकी रेडियस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते है हम, 35, हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पे इसमें आपसे यहां पर क्या कह रहे हैं A roller 1.5 meter long has a diameter of 70 मीटर How many revolution will it make to level a playground measuring 50 into 33 meter? देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि एक रोलर है रोलर मतलब जो सिलेंडर की शेप का होता है आपको उसकी हाइट और डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है ठीक है आपसे क्या कह रहा है कि वो कितने रेवोल्यूशन लेगा अगर उसको एक प्ले ग्राउंड जो कि रेक्टेंगल की शेप का होता है उसको लेवल करना हो मतलब उस पर उस रोलर को चलाना है पूरे ग्राउंड पे तो कितने रेवोल्यूशन में वो कंप्लीट करेगा वो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया सबसे पहली बात तो वो रोलर सिलेंडर की शेप का उसका डायमीटर दे रखा है तो हम क्या करते हैं पहले रेडियस निकाल लेते हैं तो कैसे निकलेगी रेडियस डायमीटर है तो आसानी से निकाल पाओगे यहाँ पर तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को तो रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी अपॉन टू तो वो दे रखी है सेवनटी इसका मतलब वो हो गई थर्टी फाइव सेंटीमीटर क्लियर है अब यहां पर अगर आप देखो तो हाइट जो है वो आपको मीटर में दे रखी है तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे थर्टी फाइव अपॉन में हंड्रेड कर दो तो ये जीरो पॉइंट थ्री फाइव मीटर आ जाएगा और हाइट आपको वन पॉइंट फाइव मीटर पहले से दे रखी है क्लियर अब वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपसे पूछ रहा है तो एक रेवोल्यूशन में कितना कवर होगा जो इसका सीएसए होगा वही तो होगा क्योंकि जो रोलर होगा वो ऐसा सा होगा ना तो सिर्फ ये चीजें ये चीज तो लग रही है ग्राउंड पे ये तो लग ही नहीं रही तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं यहां पर एरिया लेवल इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सी एस एफ सिलेंडर या फिर सी एस एफ रोलर है ना तो वही चीज यहां पर लिख देते हैं एरिया लेवल इन वन रेवोल्यूशन इस इक्वल्स टू में सी एस ए ऑफ द रोलर अब सी एस ए होता क्या है रोलर का वो होता है आपके पास टू बाई आर एच तो टू ऐसी है पाई की जगह ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की जगह क्या करोगे आप या तो आप थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड लिख लो या जीरो पॉइंट थ्री फाइव लिख लो बात एक ही है यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने टेन कर दिया इसको इससे काटा ये फाइव पे कट हो तो गया फ़ाइव को फिर इससे फाइव से इसको काट दिया टू पे अब इस टू से इस टू को काट दिया क्या बचा ट्वेंटी टू इंटू में फिफ्टीन अपॉन में हंड्रेड बचा ठीक है अब अगर आप देखो ट्वेंटी टू को आप फिफ्टीन से पहले इंटू कर लो तो थ्री थर्टी आएगा अपॉन में आपके पास हंड्रेड है तो इसका मतलब कितना आ जाएगा वहाँ पर थ्री पॉइंट थ्री मीटर स्क्वायर आ गया ये एक रेवोल्यूशन का है ठीक है अब टोटल कितने रेवोल्यूशन निकलेंगे तो ग्राउंड का एरिया भी तो पता होना चाहिए तो बस अब आ जाएगा यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे आप जितना आपका प्ले ग्राउंड का एरिया है वो डिवाइड कर दो किससे यहाँ पर सी एस ऑफ रोलर से जो आपने अभी निकाला है ठीक है ना एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड एल बी होगा तो फिफ्टी इंटू थर्टी थ्री हो जाएगा और ये आपके पास कितना है थ्री पॉइंट थ्री है यहां से पॉइंट हटाया यहां टेन कर दिया ये कट हो गया इसका मतलब फाइव हंड्रेड रेवोल्यूशन लगेंगे उस पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पे द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉयड आर इन द रेशो ऑफ वन रेशो टू रेशो थ्री एंड इट्स टोटल सर्फेस एरिया इज एटी एट मीटर स्क्वायर फाइंड इट्स डायमेंशंस आपसे क्या कह रहे हैं एक क्यूबॉइड के आपको डायमेंशंस दे रखे हैं मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है साथ के साथ आपको उसका टी एस सी भी दे रखा है आपको क्या करना है उसकी डायमेंशंस बतानी है डायमेंशंस का मतलब ही एल बी और एच है जो यहाँ आपको फाइंड करना है ठीक है तो जब भी आपको ऐसे रेशो में देते हैं तो पहले आप क्या करते हो एक्स मान लो उसके साथ है ना तो चलो यहाँ पर लेट कर लेते हैं लेट जो लेंथ है वो मेरी हो जाएगी यहाँ पर वन एक्स जो ब्रेथ है वो हो जाएगी टू एक्स और जो हाइट है वो हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर थ्री एक्स क्लियर अब अगर टी एस सी की बात करें तो वो होता है टू ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल तो टी एस से एटी एट दे रखा है यहाँ पर आ जाएगा टू एल की जगह वन एक्स बी की जगह टू एक्स प्लस बी की जगह आ जाएगा यहाँ पर टू एक्स एच की जगह आ जाएगा यहाँ थ्री एक्स प्लस एच की जगह थ्री एक्स और एल की जगह वन एक्स ये एटी एट इस टू को इधर लेके आ गई अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर ये हो गया फोर्टी फोर क्लियर ना और यहाँ पर कितना आ जाएगा सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा एट एट प्लस थ्री इलेवन हो जाएगा यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली फोर्टी फोर अपॉन में इलेवन कट किया फोर आ गया एक्स की वैल्यू फोर आ गई लेंथ मेरे पास थी वन एक्स तो इसका मतलब वन इंटू में फोर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर फोर यूनिट यहाँ से देख लो मीटर है तो यहाँ मीटर लगा दो ब्रेथ थी मेरे पास टू एक्स तो कितना आ जाएगा टू इंटू में फोर तो कितना आ जाएगा एट मीटर ठीक है अच्छा यहाँ पर टू रखना है फोर नहीं रखना टू क्योंकि हमारा जो एक्स है वो टू निकलेगा टू का स्क्वायर ही तो होता है ना फोर तो यहाँ पर आपके पास टू आएगा तो वन इंटू में टू किया तो ये टू मीटर आ गया टू इंटू में टू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फोर मीटर हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास थ्री एक्स होता है तो थ्री इंटू में टू कर दो तो ये आ गई सिक्स मीटर डायमेंशंस निकालनी थी निकल गई हमारी डायमेंशंस क्लियर ये था क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपके पास चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्टी सेवन है अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू थ्री वन सेंटीमीटर स्क्वायर द कर्व्ड सर्फेस एरिया इज द टू थर्ड ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया फाइन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर देखो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है उसका आपको टी एस ए दे रखा है साथ के साथ जो आपके पास सी एस ए है ना वो भी दे रखा है लेकिन वो टी एस ए की फॉर्म में ही दे रखा है डायरेक्टली तो नहीं दे रखा हाँ इनडायरेक्टली जरूर दे रखा है आपको अब आपसे वॉल्यूम कह रहे हैं वॉल्यूम के लिए आपको पहली बात तो आर और एच पता होने चाहिए तो जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना कि जो सी एस है वो टू बाई थ्री है टी एस के उससे निकालते हैं ठीक है थीके? कैसे निकालेंगे वो देखो सी एस से क्या कह रहा है वो आपके पास टू थर्ड है यहां पर टीएससी के ठीक है टी एस से क्वेश्चन में पहले से ही पता है आपको टू थर्टी वन है तो यहाँ से आप अपना सी एस से भी तो निकाल सकते हो यहाँ लिख दिया मैंने टू थर्टी वन तो यहाँ से मेरा सी एस से निकल जाएगा कैसे आप इसको इससे कट कर दो सेवन ट्वेंटी वन सेवनटी सेवन तो ये आ जाएगा वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब आपको टी एस से भी पता है कितना है आपके पास टू थर्टी वन है और आपको सी एस भी पता है दोनों चीजें आपको पता चल गई अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है अब वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आर और एच निकाल लेते हैं तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आपके पास होता क्या है वो होता है आपके पास टू पाई आर एच यही होता है ना और टी एस से आपके पास क्या होता है टी एस से आपके पास होता है यहाँ पर टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ टू पाई आर स्क्वायर एच टू पाई आर स्क्वायर और प्लस टू पाई आर एच ये लिख सकती हूं ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें ये आपके पास T.S.A का फॉर्मूला है तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो C.S.A ही है तो T.S.A की जगह मैंने T.S.A की वैल्यू रख दी टू थर्टी वन ये टू पाई आर स्क्वायर ऐसे ही है और ये C.S.A का फॉर्मूला उसकी जगह C.S.A की वैल्यू रख दी ठीक है तो इसका मतलब 231 थर्टी वन माइनस का वन फिफ्टी फोर इज इक्वल टू में टू पाई आर स्क्वायर जब आप माइनस करोगे तो 77 आ जाएगा ये टू ऐसी है पाई की जगह 22 टू बाई सेवन हो जाएगा ये आर स्क्वायर ऐसी है 77 सेवन इंटू में सेवन अपॉन में 2 इंटू में 22 आ जाएगा इज इक्वल टू में आर स्क्वायर ऐसी है इन दोनों को कट कर लेते हैं पहले तो ये आ जाएगा आपके पास सेवन इंटू सेवन टू इंटू टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन टू का स्क्वायर कट हो गया आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सेवन टू सेंटीमीटर आर की वैल्यू तो निकल गई अब मुझे एक और एच भी तो चाहिए तभी तो मैं वॉल्यूम निकाल पाऊंगी तो सी एस एफ सिलेंडर मेरे पास क्या था वो था टू बाई आर एच ये मुझे 154 पता था यहाँ पर 2 ऐसी है पाई की जगह 22 टू बाई सेवन अब आर की वैल्यू भी पुट कर दी और एच सिर्फ एच निकालने के लिए किया है तो एच आ जाएगा 154 अपॉन में 22 तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अब तो आप वॉल्यूम निकाल ही सकते हो तो अब वॉल्यूम कितनी आ जाएगी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन में सेवन अपॉइंट टू टु, में सेवन अपॉइंट टू टु, में सेवन कट हो गया इसको इससे कट कर दिया तो फोर्टी नाइन आप ऑन में टू हो गया ठीक है ना बस अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और डायरेक्ट अगर आप देखो तो आपके पास इसका आंसर यहां से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में क्लियर ये था आपके पास क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किया ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जो हमारा कंप्लीट हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पे आते हैं अब द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अब इज वन फिफ्टी स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द its फेस देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है आपको टी एस से दे रखा है क्यूब का और आपको किसी भी एक फेस का पेरीमीटर निकालना है जो क्यूब के फेस होते हैं वो आपको पता है किस शेप के होते हैं वो आपके पास स्क्वायर की शेप के होते हैं तो यहाँ टी एस से दे रखा है तो पहले मैं क्या करती हूँ उसकी हेल्प से साइड निकाल लेती हूँ निकल जाएगी ना इजिली फॉर्मूला लगाना है बस और कुछ भी नहीं करना है तो चलिए यहाँ करते हैं टी एस सी ऑफ क्यूब आपके पास होता है यहाँ पर वन अच्छा क्वेश्चन पहले वो फार्मूला लिख लेते हैं वो होता है सिक्स ए स्क्वायर ये मुझे वन फिफ्टी दे रखा है तो सिक्स ए स्क्वायर वन फिफ्टी अपॉन में सिक्स इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर इसको थ्री से काटा है इसको भी थ्री से काटा है तो ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई है फाइव यूनिट यहां से देखो क्या थी आपके पास सेंटीमीटर ठीक है अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था यहां पर कि किसी भी एक फेस का आपको क्या करना था यहां पर पेरीमीटर निकालना था अब पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है साइड निकालने के बाद पेरीमीटर तो आप निकाल ही सकते हो यहां पर वो होता है फोर में साइड तो बस पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब तो वो हो जाएगा फोर इंटू में साइड साइड आप निकाल ही चुके हो फाइव तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर ट्वेंटी सेंटीमीटर क्लियर ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी एट चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे थ्री मेटल क्यूब्स एज मेजर्स थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब फाइंड द एज ऑफ द क्यूब देखो इजी क्वेश्चन है आपसे कह रहा है आपने तीन क्यूब को मेल्ट किया जिनकी साइड्स आपको दे रखी है और उसके बाद उसका एक सिंगल क्यूब बना दिया तो देखो जो तीनों क्यूब की वॉल्यूम होगी वो एक सिंगल क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगी क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी है कि कोई सी भी एक सॉलिड को किसी भी शेप में चेंज कर दो पर उसकी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है।, है ना तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है एज फाइंड करनी है तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मेटल क्यूब जो आपने एक नया क्यूब बनाया वो किसके बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब वन प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब टू प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब थ्री ठीक है अब क्यूब की वॉल्यूम होती है हमारे पास साइड का क्यूब तो ये साइड का क्यूब हो गया यहाँ पर ए वन का क्यूब प्लस यहाँ ए टू का क्यूब प्लस किसका क्यूब कर देंगे यहाँ पर ए थ्री का क्यूब तीनों की मुझे साइड्स गिवन थी यहाँ पर कितनी थी मेरे पास थ्री फोर और फाइव तो यहाँ आ जाएगा थ्री का क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा फोर का क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा फाइव का क्यूब तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ये हो जाएगा सिक्सटी फोर ये हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव तो ए का क्यूब यहां से निकल के आ गया टू वन सिक्स अब टू वन सिक्स आपके पास क्या होता है टू वन सिक्स होता है सिक्स का क्यूब तो ए आ जाएगा आपको क्या बताना था यहां पर आपको एज ऑफ द क्यूब बतानी थी वो निकल गई एज ऑफ रिजल्टिंग क्यूब तो कितनी आ गई वो सिक्स सेंटीमीटर क्लियर ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे हम यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है आपसे द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर फाइव मीटर फोर मीटर एंड थ्री मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज सेवन पॉइंट फाइव जीरो पर मीटर स्क्वायर देखो आपको एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है अब आपको इसमें क्या करना है वाइट वॉश करना है तो वाइट वॉश हमेशा दीवारों पे ही तो होगा नीचे तो नहीं होगा फ्लोर पे और ऊपर छत पे हो जाएगा तो सीलिंग का भी दे रखा है अब उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है सेवन पॉइंट फाइव जीरो टोटल जब आप वाइट वॉश करा दोगे फोर वॉल्स पे प्लस सीलिंग पे तो कितनी कॉस्ट आएगी वो आपको बतानी है तो पहले हम क्या करते हैं वो फोर वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं तो उसका अपना ही एक फॉर्मूला होता है यहां पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो क्या होता है आपके पास टू ब्रैकेट में होता है एल प्लस ठीक है सब चीज़ क्वेश्चन में गिवन है फाइव फोर थ्री गिवन है ना तो इसका मतलब यहाँ पर थ्री आ जाएगा और यहाँ पर फाइव प्लस फोर आ जाएगा तो सिक्स इंटू में यहाँ पर नाइन आ जाएगा फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर पर अब एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालना पड़ेगा क्योंकि छत पे भी तो वाइट वॉश होगा नीचे फ्लोर पे ही तो नहीं होगा वो होता है एल इन टू बी तो इसका मतलब फाइव इंटू फोर तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर अब टोटल एरिया जो व्हाइट वॉश होना है वो कितना है वो यहां निकाल लेते हैं टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश वो कितना होना है आपके पास 54 प्लस का 20 इसका मतलब 74 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वाइट वॉश होना है अब अगर हम अपने कॉस्ट की बात करें तो वन मीटर स्क्वायर की कॉस्ट मेरे पास 7.50 थी तो 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 74 फोर इंटू में सेवन पॉइंट फाइव जीरो बस इन्हें दोनों को इंटू कर दो और आपकी कॉस्ट आ जाएगी ट्रिपल फाइव क्लियर ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन नंबर फोर्टी किया तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर से फोर्टी तक कंप्लीट हो गए हैं बार बार कह रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल अच्छे से कर लेना अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के रह रहे हैं टोटल एटी एट क्वेश्चन हैं तो ये समझ लो हाफ़ क्वेश्चन किए अभी हमने हाफ चैप्टर ये हमारा रह रहा है तो ऊपर के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है आप वहाँ से कर लेना उस पर प्ले बनी हुई है उसमें से देख लेना इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू